नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार होगी। जो गड्ढा खोदे थे, जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन गिरते हैं। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बातें झूठी, झूठे वादे, ये वो हैं जिन पर जमीनों को लेकर बहुत आरोप थे। एक जमाने में जमीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती उनके साथ है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार होगी। जो गड्ढा खोदे थे, जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन गिरते हैं। इसलिए कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही है। कन्नौज की जनता ने एक समय देखा था इस शहर को 4 लेन सड़कों से जोड़ना, एक्सप्रेसवे से जोड़ना, 24 घंटे बिजली देना, काली नदी पे पुल बनाना, गंगा पे पुल बनाना, लोहिया आवाज़ देना, मेडिकल कॉलेज देना, पैरामेडिकल कॉलेज देना, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट देना, कैंसर इंस्टीट्यूट का आपका प्राइमरी स्टेज पर कैंसर कैसे आइडेंटिफाई वो बनाना, परफ्यूमरी के लिए परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज में परफ्यूमरी इंजीनियरिंग बनाना, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना इसराइल गवर्नमेंट के साथ, काउ मिल्क प्लांट और काउ मिल्क प्लांट की डेयरी प्रोडक्ट्स को लाना, स्टेडियम और न जाने कितने काम में गिनाऊँ जो मुझे याद हैं जो हम लोगों ने यहाँ किए हैं। यही नहीं, रनवे बनाया है कन्नौज लोकसभा में। एक बार हवाई जहाज केवल टेस्टिंग के लिए उतरा था, दूसरी बार मैंने उतारा, उसके बाद किसी ने हवाई जहाज नहीं उतारा। तो सोचो, ये है विकास की गति भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी लोगों ने हमेशा महाराणा प्रताप जी का सम्मान किया है और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी और तमाम छत्तीस संगठन के लोग मुझसे मिले थे, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप जयंती को समाजवादियों ने उनके सम्मान में जयंती की थी। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बातें झूठी, झूठे वादे, ये शब्द मैं वो बोल रहा हूँ। कल मैं देख रहा था देश के प्रधान सांसद बातें झूठी, झूठे वादे को रिपीट कर रहे थे। ये लाइनें हमारे दीन मोहम्मद दीन साहब की हैं, एक उन्होंने कविता लिखी थी। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में कह रहे थे कि झूठी बातें, वादे झूठे, जो बीजेपी के हैं वो उन्हीं के मुंह पे आ गई बात। वो हो सकता है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता रहे हों कि उन्होंने बहुत झूठ बोल लिया, अब जनता सच सुनना चाहती है। आखिरी सवाल है, आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे सत्ता में आएंगे राम मंदिर को ओवरटर्न करेंगे, जो फैसला आया था राम मंदिर का, ऐसा वो कह रहे हैं। ये कौन है? ये वो हैं जिन पर जमीनों को लेकर बहुत आरोप थे। एक जमाने में जमीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना, वो भी जिसकी सरकार उसके साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।